माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बाद अब यूट्यूब में भी भारतीय मूल का सीईओ है। इससे दुनिया भर में भारत का डंका बच रहा है। विश्व की टॉप कंपनी यूट्यूब के टॉप पोस्ट पर बैठा बॉस इंडियन है, लेकिन इस बॉस की कहानी बाकियों से थोड़ी अलग है। इसे कंपनी में रोके रखने के लिए कभी गूगल को 544 करोड़ रुपए देने पड़े थे। आज हम यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन की जन्म कुंडली आपको बताएंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका यहाँ तक का सफर कैसा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन ने गुरुवार को यूट्यूब की कमान संभाली है। यूट्यूब के सीईओ के रूप में मोहन का प्रमोशन हुआ। वो लंबे वक्त से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले यूट्यूब की सीईओ रही 54 वर्षीय वोजोस्की ने कहा कि इस्तीफा देने की वजह यह है कि वो अब परिवार, हेल्थ और पर्सनल लाइफ पर अधिक फोकस करना चाहती हैं। वो पहले गूगल में एड प्रोडक्ट की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी और 2014 में यूट्यूब की सीईओ बनी। अब आपको बताते हैं कि नील मोहन को ट्विटर न जाने के लिए क्यों मिले थे गूगल से 544 करोड़ रुपए। कहानी है साल 2008 की, जब नील एक डबल क्लिक नाम की कंपनी में काम किया करते थे। बाद में चलकर गूगल ने उसे खरीद लिया। उस समय गूगल ने उस कंपनी में काम कर रहे किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला। फिर क्या, नील मोहन की गूगल के साथ हो गई शुरुआत। वक्त धीरे धीरे गुजरा, नील को ट्विटर से नौकरी का ऑफर आया। नील नौकरी छोड़ने की तैयारी में भी जुट गए। नील काम में इतने अधिक पारंगत थे कि उनकी बॉस और साथ ही सीनियर अधिकारी उन्हें खोना नहीं चाहते थे, और यही वो वजह थी कि ट्विटर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था। जब इस जॉब ऑफर के बारे में गूगल के टॉप ऑफिसर्स को पता चला, तो नील को रोकने के लिए कंपनी की तरफ से $100 मिलियन यानी उस वक्त के करीब 544 करोड़ रुपए बोनस के तौर पर दिए गए। आपको बता दें कि 544 करोड़ रुपए का बोनस कंपनी में बहुत कम लोगों को मिलता है। पूरे गूगल में उस वक्त इतनी रकम बोनस के रूप में पाने वाले नील गूगल के चेयरमैन एरिक श्मिट के अलावा इकलौते ऐसे शख्स थे। नील मोहन ने साल 1996 में स्टैनफोर्ड से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। यूट्यूब के सीईओ बनने से पहले उन्होंने कंपनी के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में काम किया। मोहन माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम कर चुके हैं। मोहन और वोजिकी ने करीब 15 साल एक साथ काम किया। 2007 में डबल क्लिक अधिग्रहण के दौरान वो गूगल में आए और बाद में परफॉर्मेंस और वीडियो एडवर्टाइजमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। 2015 में यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बने। कहा जाता है कि नील टेक्नोलॉजी की समझ के साथ बिजनेस की शानदार स्ट्रेटेजी बनाने में माहिर माने जाते हैं। आपको बता दें कि वो पत्नी हेमा सरीम के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।